हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में जेडोसेफ 200 टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। जेडोसेफ 200 टैबलेट एक एंटीबायोटिक टैबलेट है। इसका मुख्य उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करने में किया जाता है। आइए इस टैबलेट के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। यह कैसे काम करती है, क्या इस्तेमाल होती है, इस टैबलेट के क्या बेनिफिट है, इस टैबलेट के क्या साइड इफेक्ट है, इस टैबलेट का सही डोज क्या है, इस टैबलेट से जुड़े सभी सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मैकलर्स कंपनी की यह 10 टैबलेट की स्ट्रिप आपको किसी मेडिकल स्टोर पर 140 रुपये में आसानी से मिल जाएंगी। बात करते हैं इसमें मौजूद कंटेंट के बारे में। जेडोसेफ 200 टैबलेट में सिपोटॉक्सिम आईपी 200 एमजी यह कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद सिपोटॉक्सिम यह ड्रग एक एंटीबायोटिक ड्रग है जो हमारे बॉडी में मौजूद बैक्टीरिया को किल करता है और उन्हें दोबारा होने से रोकता है। बात करते हैं इस टैबलेट की यूजेस की, इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल किया जाता है। इसका मुख्य इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन की समस्या, त्वचा में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना, पेट में इन्फेक्शन, कान का इन्फेक्शन, एलर्जी की समस्या, यूटीआई की समस्या जिसे हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं, इसे हिंदी में मूत्रमार्ग का इन्फेक्शन कहा जाता है, ब्रोंकाइटिस की समस्या, साइनस, फेफड़ों का इन्फेक्शन, निमोनिया, फूड पॉइजनिंग, टॉन्सिल, इन सभी समस्याओं में इस टैबलेट का इस्तेमाल एज ए एंटीबायोटिक के तौर पर किया जाता है। बात करते हैं इस टैबलेट की डोसेज की, आप अपनी समस्या बताकर इस टैबलेट का डोसा अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछ ले। दोस्तों, यह एक एंटीबायोटिक टैबलेट होने की वजह से इसे हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही यूज करें। वह व्यक्ति एन एडल्ट ये टैबलेट दिन में दो बार एक निश्चित समय पर ले सकते हैं। आप इसे सुबह एक बार और शाम को एक बार खाना खाने के बाद ले सकते हैं। साइड इफेक्ट इसके इस्तेमाल से होने वाले दुष्प्रभाव, यदि आप इस टैबलेट का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की अनुमति से करते हैं या फिर आपको इसमें मौजूद किसी कंटेंट से एलर्जी है तो आपको बताया गया कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको बताया गया कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। इसके इस्तेमाल से आपको सिर दर्द, चक्कर आना, पेट दर्द, खुजली, सुस्ती, मितली, उल्टी ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इसे यूज करते समय सावधानियां, अगर आपको इसमें मौजूद किसी कंटेंट से एलर्जी या फिर आपको इसके इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है तो इस टैबलेट का यूज ना करें। अगर आप पहले से कोई अन्य टैबलेट खा रहे हो तो इसकी सूचना भी अपने डॉक्टर को अवश्य दें। इस वजह से इस टैबलेट का ओवरडोज या फिर ड्रग इंटरेक्शन होने की संभावना कम होती है। अगर आपको किडनी से जुड़ी कोई समस्या हो या फिर आपको लीवर से जुड़ी कोई समस्या हो या फिर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता हो तो इस टैबलेट लेने से पहले इसकी सूचना अपने डॉक्टर को अवश्य दें। इस टैबलेट के इस्तेमाल के पहले या इस्तेमाल के बाद अल्कोहल का प्रयोग न करें, इससे आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन रिव्यूज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।